मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, नहीं आऊंगा। अरे क्या शिनचैन, अरे मैं चला जाऊंगा यहाँ से, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। आप लोग बहुत ज्यादा गंदे हो, मैं यहाँ पे जापान छोड़ के चला जाऊंगा। आइंदा से कभी भी यहाँ पे दूसरे बार नहीं आऊंगा। अरे यार ये क्या, ये तो यहाँ पर भाग गया। आपके लिए मुझे यहाँ पे ताना सुनना पड़ता है प्रियंकिन भैया, कभी तो यहाँ पे डॉन गिरी छोड़ के यहाँ पे असली यहाँ पर मर्द की तरह रहा करो। शिनचैन यहाँ पर अगी, अगर मैं बताऊंगा शिनचैन अभी इस चीज को यहाँ पे ठीक से नहीं लेगा। अरे यार शिनचैन चलो कुछ खा लो। अरे नहीं नोबिता, मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगा। अजीब बात है डोरेमोन, देखो शिनचैन ने तो खाना वगैरह सब कुछ छोड़ दिया है, और फ्रैंकलिन भैया भी पता नहीं क्या हो गया फ्रैंकलिन भैया को, वो ऊपर जाके अकेला बैठ गया। अरे यार नोबिता अजीब सा यहाँ पर सिचुएशन है यार। अरे बिल्कुल शिनचैन, तुम इतना जिद क्यों कर रहे हो। अरे यार नोबिता, तुम्हारा तो मॉम एंड डैड है ना, और तुम उसके बारे में भली भांति जानते हो कि तुम्हारा मॉम एंड डैड कौन है नोबिता। लेकिन जब यहाँ पे बात आता है मेरा, तो फिर मुझे यहाँ पे कुछ नहीं पता कि मेरा यहाँ पे मॉम एंड डैड कौन है। और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ पे लॉस सैंटोस पे कैसे आया, और जब यहाँ पर लोग मुझे ताना मार रहा था तो फिर तब तुम नहीं थे नोबिता, तब यहाँ पर मैं था, तो फिर सभी चीज मुझे यहाँ पर सहना पड़ा, तुम्हें नहीं। अजीब बात है यार, अजीब सिचुएशन में हम लोग पड़ गए सभी। यहाँ पर फ्रैंकलिन भैया ने भी यहाँ पर हार मान लिया, और यहाँ पर हम लोगों को सच्चाई पता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर शिनचैन को नहीं बता सकते। डोरेमोन यार तुम कुछ करो ना। नोबिता मैं क्या करूँ, अगर मैं कुछ करूंगा तो फिर यहाँ पे शिनचैन अगर उदास हो गया तो शिनचैन का या तो फिर यहाँ पे फ्रैंकलिन भैया मुझे बहुत डांटेगा। अरे हाँ मुझे यहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है डोरेमोन, चलो मैं यहाँ पर जाके फ्रैंकलिन भैया को देखता हूँ। फ्रैंकलिन भैया यहाँ पर क्यों ऊपर चला गया। अरे फ्रैंकलिन भैया, फ्रैंकलिन भैया कहाँ पर हो। अरे इधर पे हो नोबिता। अरे अरे फ्रैंकलिन भैया आप इतना उदास क्यों हो। भाई साहब मैं उदास नहीं हूँ यार। अरे क्या हो गया फ्रैंकलिन भैया वो तो बताओ। यार नोबिता मैं बस ये सोच रहा हूँ कि अगर यहाँ पर शिनचैन को पता चल गया कि मैं उसका असली पेरेंट्स नहीं हूँ, मेरा मॉम एंड डैड उसका असली मॉम एंड डैड नहीं है, और अगर उसको पता चल गया कि यहाँ पर शिनचैन नोहारा फैमिली से बिलोंग करता है, तो फिर नोबिता वो मुझे छोड़ के चला जाएगा क्यों। फ्रैंकलिन भैया एक बात बताओ। अरे हाँ डोरेमोन बोलो। यहाँ पे सच्चाई को मानना सीख लो फ्रैंकलिन भैया, एक ना एक दिन शिनचैन को सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा। बिल्कुल फ्रैंकलिन भैया, शिनचैन बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद उसको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन यार मुझे अभी उसको इस हालात पे भाई साहब छोड़ने का मन नहीं है। अरे छोड़ने के लिए किसने बोला फ्रैंकलिन भैया, शिनचैन बहुत ज्यादा उदास है, मैंने उसको जाके बोला कि चलो कुछ खा लो, लेकिन शिनचैन ने नहीं सुना फ्रैंकलिन भैया। अरे यार शिनचैन ने क्या कहा नोबिता। शिनचैन ने कहा कि यहाँ पर तुम्हें उससे क्या, अगर भैया पर ताना सुनना पड़ रहा है वो तो मुझे होना पड़ रहा है ना, तुम्हें तो नहीं। देखा मैंने कहा था ना शिनचैन अंदर से टूट चुका है, ऐसे करके नहीं चलेगा नोबिता, यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अरे अभी आप क्या करेंगे। मैंने सोच लिया है, शिनचैन अगर यहाँ पे मुझे छोड़ के चला जाएगा तो मैं उसको वहीं पर छोड़ के आऊंगा नोबिता, लेकिन शिनचैन का खुशी में मेरा खुशी है। मैं कभी नहीं चाहता कि यहाँ पर शिनचैन अपने माँ बाप से यहाँ पर अलग हो जाए, दूर हो जाए। अरे ये हुई ना बात, लेकिन आप क्या करोगे। हम लोग जापान जाएंगे, जापान जाके यहाँ पे मैं शिनचैन की मॉम एंड डैड के साथ शिनचैन का फिर से यहाँ पे मुलाकात करवाऊंगा। अरे क्या जापान। बिल्कुल नोबिता जापान, मैं यहाँ पे जान चुका हूँ कि शिनचैन यहाँ पे जापान से बिलोंग करता है, और मैं लॉस सैंटोस अमेरिका से, जापान और अमेरिका का डिस्टेंस यहाँ पे बहुत दूर है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे शिनचैन के लिए अगर 7 समुंदर पार करना पड़े ना, पार करके उसके मॉम एंड डैड से मैं उनके साथ मिलाऊंगा। लेकिन मैं हकीकत के साथ तो मैं उससे रूबरू करके ही रहूंगा नोबिता, अगर उससे मेरा यहाँ पर शिनचैन अगर चला जाएगा तो चले जाने दो, लेकिन कम से कम मॉम एंड डैड का तो साथ मिलेगा ना उसको। फ्रैंकलिन भैया, फ्रैंकलिन भैया आप सच में महान हो, आप यहाँ पे शिनचैन की खुशी के लिए अपनी खुशी को यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहे हो। एक लड़के का जिंदगी हमेशा सैक्रिफाइस में बीत जाता है यार। यहाँ पर जब हम लोग बच्चे रहते हैं, जब हम लोग यहाँ पे बचपन में सोचते थे कि हम लोग कब बड़े होंगे, तब हम लोगों को पता नहीं होता है कि जब हम लोग बड़े हो जाएंगे तो हमारा जीवन इतना ज़्यादा सैक्रिफाइस से भरा होगा। सैक्रिफाइस ही यहाँ पे ज़िंदगी है, ज़िंदगी का नाम ही सैक्रिफाइस है, तो फिर एक छोटा सा सैक्रिफाइस तो मुझे शिनचैन के लिए करना ही पड़ेगा नोबिता।
चलो। अरे कहाँ पर? यहाँ पर हम लोग जाके यहाँ पर शिनचैन को उसके मॉम एंड डैड से मिलाएंगे। मैं जब सोच लिया कि मिलाएंगे तुम्हें, तो मिलाएंगे, कम ऑन। लेकिन शिनचैन को क्या बोलेंगे? शिनचैन को हम लोग नहीं बताएंगे कि हम लोग जापान जा रहे हैं। शिनचैन को हम लोग बताएंगे कि बस हम लोग यहाँ पे घूमने जा रहे हैं। कोई भी यहाँ पर अपना रोना वाला चेहरा मत लेके जाना शिनचैन के सामने। फ्रैंकलिन भैया, रो तो हम नहीं रहे, रो तो आप रहे हो। मैं कहाँ पर रो रहा हूँ यार? मैं रो नहीं रहा हूँ यार, मैं रो नहीं रहा हूँ, बस दुख हो रहा है मुझे यहाँ पे, और कुछ नहीं। दोस्तों यार, यहाँ पे फ्रैंकलिन भैया के लिए आप एक प्यार भरा कमेंट कर दो। अरे यार दोस्तों, अगर कमेंट ना भी करोगे ना तो भी चलेगा। अरे नहीं, हमारा दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एक प्यार भरा कमेंट जरूर करेगा, मुझे पता है। अरे छोड़ो ये सब बात। शिनचैन मैं आ रहा हूँ, रुको। भाई साहब लो, इसका फिर से चालू हो गया। अबे कहाँ पर है चौप? भाई साहब फिर से डॉन ऊपर ही रहता है कलवे। अरे यार अजीब डॉग है यार। शिनचैन, अरे यार क्या आपको मेरा मॉम एंड डैड के बारे में पता चला? ये सब कुछ छोड़, चल हम लोग यहाँ पे घूमने जाएंगे। क्या फ्रैंकलिन भैया घूमने जाएंगे? बिल्कुल शिनचैन, घूमने जाएंगे हम लोग। और यहाँ पे घूमने कहाँ जाएंगे पता है? अरे कहाँ पर? जापान पे। अरे क्या जापान? बिल्कुल शिनचैन, जापान जाएंगे हम लोग। और जापान जो है ना, वो 7 समुंदर पार करके है यार। अरे लेकिन हम लोग जापान क्यों जाएंगे? अरे बुश, फ्रैंकलिन भैया को यहाँ पे किसी से, अरे मतलब यहाँ पर फ्रैंकलिन मतलब मुझे यहाँ पर ना जापान का एक टूर मिला है। अरे लेकिन कल यहाँ पे स्कूल में यहाँ पे पेरेंट्स मीटिंग है। बाहर में जाए पेरेंट्स मीटिंग? चलो अभी सभी यहाँ पे पैक वगैरह सब कुछ कर लो। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया। अरे बा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, हम लोग जापान जाएंगे। शिनचैन यहाँ पर खुश है, लेकिन एक सेकेंड के लिए तो मुझे लग रहा है कि मेरा यहाँ पर ही दम घुट जाएगा। फ्रैंकलिन भैया कुछ कहा क्या? नहीं तो मैं बोल रहा था कि यहाँ पर तुम लोगों को कौन सा कपड़ा चाहिए, जल्दी करो, यहाँ पर आपके ले लो सब कुछ। अरे नोबिता जल्दी करो। अरे हाँ ओके, मैंने अपना यहाँ पर कपड़ा वगैरह ले लिया है, कम ऑन यार आ जाओ। अरे फ्रैंकलिन भैया ऐसे ही हाल में जाओगे क्या? बिल्कुल यार ऐसे ही हाल में जाऊंगा। फ्रैंकलिन भैया मैं खुशी के मारे पागल हो जाऊंगा यार, हम लोग घूमने जा रहे हैं। बिल्कुल यार हम लोग घूमने जा रहे हैं जापान। यार गाइस सच में लगता है कि यहाँ पर आप लोग शिनचैन को यहाँ पे मेरे वीडियो में लास्ट टाइम देख रहे हो। अगर आपको यहाँ पे शिनचैन को हर एक वीडियो में देखना है ना, तो फिर जब वो शिनचैन अपने मॉम एंड डैड के साथ मिलेगा, तो फिर यहाँ पे एक बार रिक्वेस्ट जरूर कर देना कि शिनचैन तुम फ्रैंकलिन भैया के साथ आ जाओ। चलो आ जाओ। अरे यार गाड़ी से जापान जाएंगे क्या? नहीं, गाड़ी से हम लोग एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। अरे फिर हम लोग एक प्राइवेट जेट यहाँ पर लेंगे, उसके बाद हम लोग जापान की तरह चले जाएंगे। अरे चौप को मैंने यहाँ पर नहीं कहा यार। अरे फ्रैंकलिन भैया 7 से 8 दिन लग जाएगा। अरे हाँ 7 क्या 7 से 8 दिन? नहीं यार, यहाँ पे भाई साहब प्राइवेट प्लेन से हम लोग 2 से 3 घंटे के बीच में जा सकते हैं यार। अरे यार क्या? अरे यार फ्रैंकलिन भैया हम लोग जापान कितने दिन रहेंगे? कल आ जाएंगे। अरे क्या? अरे कुछ नहीं यार शिनचैन, बस यू ही यार। अरे रुको, मैं ना यहाँ पर जल्दी से साइमन को फ़ोन करके, अरे नहीं साइमन क्या हेल्प करेगा, लेस्टर को फ़ोन करके बोल देता हूँ कि यहाँ पर मुझे थोड़ा 4 टिकटें चाहिए। रुको मैं फ़ोन करता हूँ। अरे हाँ कर दो। अरे लेस्टर कहाँ गया भाई साहब? ये लेस्टर खो क्यों जाता है? ये रहा, चलो फ़ोन लगा दिया लेस्टर को। अरे हाँ फ्रैंकलिन। अरे लेस्टर एक हेल्प करेगा? अरे बैठा ही हूँ तेरा हेल्प के लिए, बोल फ्रैंकलिन। मुझे यहाँ पे जापान के लिए 4 टिकटें खरीद के दे प्राइवेट प्लेन का। अरे जापान क्यों जा रहा है? अरे यार काम है इसीलिए। अरे इंटरनेशनल काम, वाह फ्रैंकलिन। अरे लेकिन आपने कहा कि आपको टिकटें मिला है। अरे शिनचैन चुप कर जा। अरे ठीक है मैं काट के देता हूँ। कितना चाहिए? 4 टिकटें चाहिए यार। अच्छा ठीक है, आने का भी टिकट चाहिए ना? अरे हाँ आने का भी चाहिए। अरे ठीक है ओके, मैंने यहाँ पे जाने का टिकट 4 बुक कर दिया है फ्रैंकलिन प्राइवेट जेट में, और आने का कितना? आने का 3 कर। अरे क्यों यार, एक को छोड़ के आएगा क्या? अरे जितना बोल रहा हूँ उतना करना। अच्छा ठीक है, गुस्सा क्यों होता है, रुक अभी यहाँ पे 3 टिकटें। ओके चल हो गया तेरा प्राइवेट प्लेन में टिकटें, अभी जाए एयरपोर्ट और यहाँ पे प्लेन 007 में उठ जाना। ठीक है रखता हूँ। ओके चलो। अरे यार फ्रैंकलिन भैया एक बात बताओ। हाँ बताओ। यार फ्रैंकलिन भैया हम लोग 4 बंदे जा रहे हैं, और हम लोगों की आने का टिकट सिर्फ 3, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई यहाँ पे जापान में रह जाने वाला है। अरे क्या? हाँ
अरे ऐसा कौन है नोबिता या फिर डोरेमोन? अरे कोई तो होगा ऐसा। अरे चलो यार अभी हम लोग एयरपोर्ट चलते हैं, लेट्स गो। यार आई थिंक ये वाला गेट ही होगा। अरे यार वीआईपी लॉन्च पे हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग वीवीआईपी से कम है क्या? अरे यार गेट वगैरह नहीं खोलते ये लोग, अजीब है यार। वीवीआईपी लोग हैं हम लोग और यहाँ पे गेट नहीं ओपन होता। अरे फ्रैंकिन भैया हमारा प्लेन कहाँ पर है? अरे प्लेन हमारा यहीं पे ही होगा यार, रुको गाड़ी को इस जगह पे पार्क कर देता हूँ। ओके चलो कम ऑन आ जाओ। अरे यार लगता है कि प्लेन, अरे ये देखो प्लेन हमारा लॉन्च हो गया। अरे इसको लैंड बोलते हैं। अरे हाँ लैंड हो गया, कम ऑन कम ऑन। अरे क्या, अरे यार हम लोगों को बिना लेके जा रहा है क्या? ए, अरे रुक जा भाई साहब। अरे क्या ये प्लेन तो हमें ना लेके जा रहा है। अरे रुक जा, तू कहाँ जा रहा है हमें छोड़कर? अरे 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 अजीब प्लेन है। अरे 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 क्या, अरे रनवे के सामने यहाँ पे कौन सा इंसान आ गया? अरे भाई साहब अजीब हो यार, हम लोगों का प्लेन है। अच्छा अच्छा सर, आपकी ये नामी फ्रैंकलिन है? अरे हाँ कम ऑन। ओके अरे यार ये प्लेन, बिल्कुल चलो आ जाओ। अरे हाँ रुको फ्रैंकलिन भैया आते हैं, चलो फ्रैंकलिन भैया। ओके पायलट हम लोग रेडी है। अच्छा ठीक है सर, तो फिर अभी हम लोग निकलने वाले हैं। अरे यार फ्रैंकलिन भैया ये एयरपोर्ट में ये प्लेन गोल गोल क्यों घूम रहा है? अरे यार जो यहाँ पर पायलट है बहुत समझेगा ना ये सब चीज, तू यहाँ पे अपना सर मत घुमा यार। अरे सर यहाँ पे उसने सही कहा, प्लेन के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है बस। क्या क्या कैसा प्रॉब्लम? अरे मजाक था मजाक, तुम्हारे इस खतरनाक मजाक से ना मेरे यहाँ पर जान जाने वाला था। अरे अच्छा गया तो नहीं ना? अरे नहीं गया। ठीक है कोई बात नहीं, चलो अभी इस साइड से। अरे 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 अरे, अरे क्या, अरे तुझे प्लेन चलाना आता भी है क्या? कैसा कर रहा है तू, प्लेन कैसा चला रहा है? अरे सर डोंट वरी, आपने यहाँ पे लेवल का मैं बेस्ट पायलट था। था अब नहीं है क्या? हाँ हूँ ना, बस यूँ ही चलाता हूँ बस। अरे यार देख के लग रहा है कि तू बाइक चला रहा है भाई साहब, ठीक से प्लेन उड़ाओ। अरे चलो रनवे पर आ गया, अभी देखना कैसे प्लेन उड़ाता हूँ, उड़ा के पूरा धरती के बाहर लेकर चला जाऊंगा। अरे जापान जाना है, धरती के बाहर नहीं। अरे बस पकड़ के रहना, ए प्लेन अभी उड़ने के लिए तैयार है। अरे फ्रैंकलिन भैया हम लोग उड़ गए। बिल्कुल अभी हम लोगों का यहाँ पर सफर शुरू हो चुका है जापान के लिए। बिल्कुल वो देखिए फेरी लैंड। अरे यार ये फेरी लैंड क्या है? अरे फेरी लैंड जो यहाँ पे कहानी का यहाँ पर शहर है। सिंचन नोबिता देखो। अरे यार फ्रैंकलिन भैया आकाश के ऊपर शहर। बिल्कुल कैसा लग रहा है? अरे बहुत ज्यादा बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, सही कहा यार। अरे सर यहाँ पे अगर बादल गरजे यहाँ पे कुछ हो जाए ना तो फिर आप लोग घबराना मत, यहाँ पर प्लेन मेरे हाथ पे है, मैं एकदम ठीक ठाक जापान लेके जाऊंगा। अरे तुम यहाँ पे भाई साहब ठीक ठाक प्लेन चलाओ तभी मैं यहाँ पे शांत बैठूंगा, ज्यादा बकोगे तो फिर भाई साहब मैं कूद जाऊंगा। अच्छा कूद जाइए सर, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है ओके, तो फिर अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। थैंक गॉड भाई साहब कि हम लोग यहाँ पे सही सलामत पहुंच गए। भाई साहब वो ड्राइवर था कि क्या था? फ्रैंकलिन भैया वेलकम टू जापान। अरे हाँ, अरे यार फ्रैंकलिन भैया ये जापान है? बिल्कुल सिंचन, ऐसा बोल रहा है जैसे कि तू इस जगह के बारे में बिल्कुल अनजान है। अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया, मैं तो यहाँ पे अनजानी होऊंगा ना, मैं क्या यहाँ पे बहुत बार आ चुका हूँ क्या? हाँ ऐसा सोच सकता है। अरे यार कैसा बात कर रहे हो? अरे भाई साहब देखो यार ये जापान का रेलवे सिस्टम कितना ज़्यादा अलग है ना। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया बिल्कुल। भाई साहब यहाँ पर रोड क्रॉसिंग के लिए अभी यहाँ पर ओपन है, कहाँ पर ढूंढेंगे यार नोबिता? फ्रैंकलिन भैया पहले रोड क्रॉसिंग करो। हाँ चलो रोड क्रॉसिंग करके आ गया। भाई साहब कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स वगैरह है यार। और शिंचन? अरे हाँ बताओ। शिंचन यार क्या जापान में हमेशा ऐसा बर्फ गिरता रहता है क्या? अरे यार फ्रैंकलिन भैया कितना अजीब हो आप, मुझे क्यों पूछ रहे हो? जैसे कि मैं यहाँ पे बहुत बार आ चुका हूँ। अरे देखो 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 जापान का ट्रेन। अरे हेलो हेलो सर। अरे भाई साहब बहुत ज़्यादा बढ़िया यार, चलो। अरे यार फ्रैंकलिन भैया एक सेकेंड एक बात बताओ। अरे हाँ बोलो। फ्रैंकलिन भैया हम लोग यहाँ पे ढूंढ किसको रहे हैं? किसी को नहीं बस यू ही।
अरे यार कुछ तो गड़बड़ जरूर लग रहा है फ्रैंकलिन भैया, आप तो यहाँ पे जापान में पहले बार आए हो ना, तो फिर आप तो किसी को तो ढूंढ रहे हो। अरे कितना बड़ा बिल्डिंग है यार, और यहाँ पे आधा आधा बर्फबारी हो रहा है। अरे फ्रैंकलिन भैया जो काम करने आए हो वो काम करो ना। अरे हाँ भाई साहब, ये क्या गेट क्यों खुल गया पता नहीं यार, चलो आ जाओ। अरे हाँ चलो। अरे भाई साहब ये तो अजीब सा गेट है, ये नहीं खुलेगा। अभी यहाँ पे हम लोगों को ढूंढना है शिनचैन की यहाँ पर मॉम एंड डैड को। यार पता नहीं कि यहाँ पर शिनचैन की मॉम एंड डैड कहाँ पर मिलेगा, पता नहीं यार। इतने बड़े सिटी में हम लोग कहाँ पर ढूंढेंगे यार डोरेमोन नोबिता। अरे बेटे सुनो शिनचैन। क्या? अरे यार अंकल आप कौन हो? अरे तुम शिनचैन हो ना? अरे फ्रैंकलिन भैया देखो लगता है ये कोई है। अरे हाँ रुको। अरे यार अंकल आप हो कौन? अरे बेटे मैं, मुझे नहीं पहचान रहे हो? अरे नहीं तो आप हो कौन? अरे शिनचैन कैसा बात कर रहे, तू इसको नहीं पहचान रहा है? एक्सक्यूज मी। अरे जी सर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे आप यहाँ पे शिनचैन के साथ हो क्या? अरे हाँ मैं शिनचैन के साथ हूँ। ये शिनचैन ही है ना? अरे हाँ शिनचैन, लेकिन आप कौन हो? अरे फ्रैंकलिन भैया जापान में ये लोग मुझे कैसे जानते? अरे बेटा तुम्हारा मॉम एंड डैड तुम्हें यहाँ पर ढूंढते ढूंढते पागल हो चुका है। मैं तुम्हारा प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल? अरे क्या प्रिंसिपल? अरे फ्रैंकलिन भैया मैं नहीं जानता इसको। अच्छा अच्छा सॉरी यार, लगता है कि मैं कोई गलत बच्चे को यहाँ पर ढूंढ लिया। अरे यार अजीब बात है, बिल्कुल शिनचैन की तरह दिखने में है ये बच्चा। एक्सक्यूज मी सुनिए जरा। अरे हेलो हेलो। अरे यार कहाँ चला गया? अरे यार वो चला गया। फ्रैंकलिन भैया ये क्या था? पता नहीं यार, उसने कहा कि वो प्रिंसिपल था। फ्रैंकलिन भैया क्या बात है? मुझे कुछ तो याद आ रहा है फ्रैंकलिन भैया। क्या? हाँ मेरे दिमाग में इस शहर का कोई छवि छपा है फ्रैंकलिन भैया। नहीं फ्रैंकलिन भैया। अरे शिनचैन, शिनचैन क्या बात है शिनचैन? नहीं फ्रैंकलिन भैया। अरे यार रुक रुक जा शिनचैन। अरे भाई साहब ये क्या? अरे ये तो बेहोश हो गया। अरे हाँ बेहोश हो गया। अरे शिनचैन क्या तुम ठीक हो शिनचैन? अरे यार डोरेमोन जल्दी से इसको खाली जगह पे लेके चलो। अरे हाँ चलो। अरे भाई साहब इस जगह पे लेके चले आओ, जल्दी करो जल्दी। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया। अरे खुल जा भाई साहब, यहाँ पर आके उसको लेटाओ जल्दी। अरे लीजिए फ्रैंकलिन भैया। अरे शिनचैन क्या तू ठीक है शिनचैन? अरे यार शिनचैन उठ जा मेरे भाई। अरे फ्रैंकलिन भैया यार मुझे कुछ याद आ रहा है फ्रैंकलिन भैया। अरे यार शिनचैन ये क्या हो गया? नोबिता डोरेमोन। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया। ये तो भाई साहब मन ही मन यहाँ पर गुड़गुड़ा रहा है यार। अरे यार मुझे इसकी टेंशन हो रहा है फ्रैंकलिन भैया। अरे हाँ मुझे भी। अरे यार अभी हम लोग जापान में है, यहाँ पे हम लोग सभी चीज़ों से अनजान है। हम लोगों को यहाँ पे नहीं पता कि ये जगह कौन सा है, यहाँ पे कौन कौन रहता है, यहाँ पे क्या हम लोग जिस मिशन के लिए आए हैं क्या वो मिशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होगा, या फिर हम लोगों को यहाँ पे घूम के जाना पड़ेगा। कुछ भी नहीं पता डोरेमोन नोबिता, कुछ भी नहीं। अरे फ्रैंकलिन भैया आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि सब ठीक हो जाएगा डोरेमोन, सब कुछ गोल गोल करके यहाँ पर घूम रहा है डोरेमोन। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ठीक होने वाला है, सब कुछ यहाँ पे राउंड है, सब कुछ। यहाँ पे मुझे नहीं पता कि क्या शिनचैन यहाँ पे कुछ भी याद कर पाएगा यहाँ पे नहीं। क्या यहाँ पे शिनचैन की मॉम एंड डैड हम लोग उसको ढूंढ पाएंगे? क्या शिनचैन हम लोगों को याद रखेगा? ये सब कुछ यहाँ पर एक कहानी है डोरेमोन, और मुझे सबका उत्तर चाहिए। अरे फ्रैंकलिन भैया आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि सब कुछ मुझे पता है। टाइम टेलीविजन निकालो। अरे टाइम टेलीविजन तो मैं वहाँ पर छोड़ के आ गया। ओ भाई सब कुछ खत्म यार, जापान में आने के बाद हम लोग कहाँ पर ढूंढेंगे यार? कोई तो हमारा मदद करो। अरे ये क्या लगता है कोई चिल्लाया मिक्सी? अरे हैरी कितने साल हो गए
मैं और आप यहाँ पे शाम होते ही यहाँ पे शिनचैन की यहाँ पर इंतजार करते हैं, लेकिन शिनचैन अभी तक यहाँ पे लौट के नहीं आया। अरे मिस्सी, तुम चिंता मत करो, हमने जो यहाँ पर किया वो हमारा गलती है, लेकिन मुझे बिल्कुल विश्वास है कि हमारा शिनचैन यहाँ पे जरूर लौट के आएगा। अगर यहाँ पे भगवान है तो फिर हमारा शिनचैन यहाँ पे जरूर लौट के आएगा, और कोई ऐसा बंदा जरूर होगा जो यहाँ पे शिनचैन को सेफली रखेगा और हमारे पास वो लेकर आएगा, तब मैं शिनचैन की यहाँ पर पैर पकड़ के माफी मांग लूंगा। बिल्कुल नहीं हैरी, आप यहाँ पे पिता हो। पिता होने के नाते मैंने जो यहाँ पर किया वो बहुत ही ज्यादा बुरा किया। मुझे अभी भी यहाँ पे विश्वास है, हर दिन इस जगह पे खड़ा रहता हूँ ताकि इस जगह से मैं देख पाऊँ कि शिनचैन दौड़ दौड़ के आके मुझे बोल रहा है। अरे डैड, मैं आ गया, मुझे आपके साथ खेलना है डैड। देखो कैसा मेरे कान बजा, क्यों मिस्सी? बिल्कुल हैरी, मुझे भी लगता है कि मेरा मेरा बेटा यहाँ पर आके मुझे कहेगा, अरे मॉम मुझे बहुत ज्यादा भूख लगा है, मॉम कुछ खाने को मिलेगा क्या? बेटा शिनचैन, अरे बहम था मिस्सी, बहम था। अरे हाँ हैरी, बहम है। चलो हम लोग यहाँ पे इंतजार करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल मिस्सी, तो फिर एक साइड में शिनचैन की मॉम एंड डैड और दूसरे साइड में यहाँ पर फ्रैंकलिन, शिनचैन और बाकी के लोग, ऑलरेडी जापान यहाँ पर आ चुका है और इन लोगों को नहीं पता कि शिनचैन यहाँ पर जापान में आ चुका है। क्या शिनचैन को सभी बातें यहाँ पर याद आएगा या फिर शिनचैन सब कुछ भूल के ही रहेगा? अगर आपको इसका पार्ट 3 चाहिए तो फिर तुम्हें पार्ट 2 में यहाँ पर आप लोग 500 लाइक का टारगेट देता हूँ, 500 लाइक का टारगेट पूरा कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाई।